Hi everyone! I am Janvi Pavar. Welcome back to my YouTube channel. Or if you guys are new over here, then welcome to my YouTube channel. And I've got a new background. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं स्पेशली इंग्लिश तो उसकी प्रैक्टिस कभी भी कैसे रुकनी नहीं चाहिए एंड आई थिंक आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि आप कोई भी वहाँ कोई भी स्किल सीख रहे हैं यू नो एनी स्किल आउट देयर तो उसकी प्रैक्टिस कभी नहीं रुकनी चाहिए बिकॉज अगर हम बात करें कि आपको सिर्फ मूवीज़ देखने से या फिर वीडियोस देखने से या क्लास लेने से इंग्लिश आ गई होती तो अभी तक आप आराम से सीख जाते हैं बट प्रैक्टिस इज द की यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एट द सेम टाइम मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ आपको पता है कि स्विमिंग कैसे करते हैं यू नो कि हाँ पानी में ऐसे हाथ मारने हैं पैर इस तरीके से मारने हैं तो ऐसे स्विमिंग हो जाएगी आपको ड्राइविंग का पता है कि पहला गेयर ऐसे लगता है दूसरा गेर ऐसे लगता है बिना गेर की कार तो हम इसको अभी न्यूट्रल पे रखेंगे या अभी चलेगी यूकॉइज नो दैट पर वो कब तक नहीं आएगी उस चीज़ में मास्टरी कब तक नहीं आएगी स्विमिंग कब तक नहीं आएगी जब तक कि आप पानी में जाके खुद से स्विमिंग नहीं कर लेते तो इंग्लिश कब तक नहीं आएगी जब तक नहीं आएगी जब तक, आएगी, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते अब जो दिक्कत आती है हमारे साथ वो ये आती है हम प्रैक्टिस करते हैं पंद्रह से बीस मिनट पंद्रह से बीस मिनट उसके किसके अलावा जो हम क्लासेस लेते हैं अगर आप कहीं पे इंग्लिश सीख रहे हैं फॉर एग्जांपल तो आपने जो क्लास वहाँ पे ली और फिर उसके घर आने के बाद 15 से 20 मिनट या फिर अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो ये जो आप नॉर्मल वीडियोस देखते हैं डेली बेसिस पे इट कैन बी माइंड सम अदर अमेजिंग इंग्लिश ट्रेनर कैसी भी वीडियोज़ आप देखते हैं कैसा भी कोर्स आप देखते हैं तो हर किसी को हर किसी चीज़ को सीखने का एक प्रोसेस होता है उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें प्रैक्टिस चाहिए इस प्रैक्टिस से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ सो so, uh, मैंने एक कोर्स निकाला था अभी भी है वो कोर्स इट्स अवेलेबल ऑफ ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी वीडियोस थी और इन फिफ्टी वीडियोज़ uh, जो थी दे वर फॉर अराउंड फोर टू फाइव आवर्स सो अ स्टूडेंट कॉल मी आप एंड सेड कि मैंने आपकी सारी वीडियोज़ हैं ना तीन दिन में देख दी माँ अरे एंड देन दैट स्टूडेंट सेट पर मुझे एक्सेंट नहीं आया मैं मैंने हर वीडियो में आपको ये बात बोली हुई है कि आप प्रैक्टिस करें तब आपको एक्सेंट आएगा तो अगर आपको लग रहा है कि ये सारे ट्यूटोरियल्स लेने से आपको लैंग्वेज आ जाएगी देन यू आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट जब तक आप खुद इंटर्ज नहीं होते उस प्रैक्टिस में तब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी अब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेश्चन एज वेल कि किसके साथ करें प्रैक्टिस वी डू नॉट हैव एनी वॉन क्या करें प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ बोलना ही नहीं होगा प्रैक्टिस आपकी लिसनिंग आपकी रीडिंग आपकी राइटिंग आपकी चारों स्किल्स इन्वॉल्व करती है योर स्पीकिंग You're listening, you're reading, and you're writing. So, इन चारों स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा ये क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है सीखने का द फर्स्ट वन इज योर लिसनिंग तो आप सुने ज्यादा से ज्यादा यू नो वेन यूर ट्रैवलिंग पोडकास्ट सुने गाने सुने कोई स्पीच कोई इंटरव्यू एनी थिंग एंड देन यू हैव स्पीकिंग जो आपने सुना जो आपने नए वर्ड सुने नए सेंटेंस स्ट्रक्चर सुने फिर उस चीज को आप बोलें अब आप बोलेंगे कब नाउ दिस ऑल्सो अ स्टूडेंट हैव दिस क्वेश्चन अलाउट कि हम बोले किसके साथ और बोले तो कब बोले इन द बैक ऑफ वर माइंड वेयर ऑलवेज थिंकिंग समथिंग राइट तो उस चीज को आप फोर्स करें कि वो वो आप इंग्लिश में जो है उसको सोचना शुरू कर दें तो इंग्लिश में सोचना आप शुरू कर देंगे अब शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी बट धीरे धीरे आप जितना ज्यादा सुनेंगे आप उतना ही ज्यादा उस चीज को ग्रास्प कर पाएंगे उसके बाद जब आपने ये बोल लिया अब और किस जगह पर आप बोल सकते हैं नॉट ओनली इन द बैक ऑफ योर माइंड जब आप कोई मोनोलॉग कर रहे हैं मोनोलॉग क्या होता है हम खुद से कभी ना कभी बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक विद आवर सेल्स थॉट्स होती हैं हमारी काफी सारी तो उन थॉट्स को अब आपको आउट लाउड बोलना है आउट लाउड कैसे मतलब कि बोलना है और उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है कि राइट नाउ आई एम थिंकिंग आई कैन डू दिस बहुत ही सिंपल आप जितना बेसिक बोल सकते हैं या फिर एडवांस्ड बोल सकते हैं जो भी आपका लेवल है आप उस अकॉर्डिंग बोलें तो प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए नेक्स्ट थिंग इज व कॉट रीडिंग एंड वी हैव कॉट राइटिंग रीडिंग से क्या होगा आपकी वोकैबलरी भी काम आएगी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होंगे राइटिंग में आप अपने थॉट को एक जगह पर पुट डाउन कर सकते हैं आपने जो नई चीजें सीखी उन सारी चीजों को यू कैन पुट दम इन वन प्लेस नाउ द थिंग इज you have to immerse yourself in a language. To learn a language, you have immerse yourself in that language, you indulge in And there is one more thing, many times we that we don't have an environment, or we have or we have a guide to guide Well, don't you worry anymore, because I've got an amazing solution for you. So there is an online platform out there named Cambly, which is the only online platform that provides over more than 20,000 native English tutors. Ji, ha, so, now we have more than 20,000 native English tutors who are from the UK, from USA, from Canada, and more. So, you're going to learn from those teachers. And they are going to help you in the most non judgmental way possible. You can sign up, hai. Then you to a timing, you suit Then you're going to be assigned with a teacher, then you're going to have a conversation with a teacher. You get normal talks, kareenge, casual conversations, kareenge, and they are going to help you at every point. Ki aapne pe and how you can improve. At the same time, you can also join their IELTS course so that if you're planning to go abroad, so join that course as well. So either you can subscribe to Cambly by clicking on the URL in the description box below or by using the code JP27 to get an exclusive discount on any three months plan. And this offer is only valid for two weeks, so go and join Cambly. so now the practice thing the tutor thing is done and if you have to practice all by yourself now so you can just record yourself आपने कुछ भी सुना उस चीज़ को आपने सुनने के बाद record अपने आप को करा then compare खुद से guys you know when you are learning something उस चीज़ में आपको अपना time देना पड़ेगा you know it's not gonna happen कि मेरे पास तो सिर्फ 20 minute है मैं क्या मैं तो सिर्फ इतना time दे सकता हूँ अगर आप इतना ही टाइम दे सकते हैं तो तीन चार साल में आप सीखी जाएंगे शायद से यू नो इट्स इट डजन हैव अ कन्फर्मेशन पर अगर आप अपने सारे के सारे काम यू नो नॉट योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कि आप किससे बात कर रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं बट योर इंटरनल इन्वायरमेंट सोशल मीडिया जो आप स्क्रोल कर रहे हैं एट द सेम टाइम जो आपके दिमाग में थाट्स चल रहे हैं तो आप अपनी मीडियम ऑफ लैंग्वेज को अगर इंग्लिश बना दें सो थिंग्स दे आर ये न टेक द राइट सर्न रीड लिसन स्पीक Right. Practice is the key, and believe me, if you consistently practice for you're an advanced English speaker. But you're going to see a difference approximately by sixty to sixty-eight percent. Believe me. But you have to stay consistent, guys. You have to listen more and more. Whenever you time, you have your time free time, you have to to English Because practice is the key. And as for me, I'm going to see you guys in the next video. Thank you so much, everybody, for watching. I hope Hope you guys stay safe. Bye everyone.